हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे जीएसटी टैक्स रेट जो चल रहे हैं, जीएसटी 5%, जीएसटी 12%, जीएसटी 18% और जीएसटी टैक्स 28% का, तो दोस्तों इन चार टैक्स स्लैब रेट में आपको बहुत ही जल्दी कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, कौन सा रेट टैक्स रेट है जो कौन से टैक्स रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कौन से टैक्स रेट है जो आपस में मर्ज होने वाले हैं, तो वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो नया टैक्स रेट अगर इफेक्टिव हो जाता है, नया टैक्स रेट अगर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मतलब उसको एप्लीकेबल कर दिया जाता है, तो उस नए टैक्स रेट को हम हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम पर किस तरीके से एप्लीकेबल करेंगे, तो ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो हम प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। तो अगर आप एक टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूज़र हो या अभी आप कोई टेली प्राइम कोर्स कोई सीख रहे हो, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। तो मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुतार। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रही है, जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने एक प्रपोजल तैयार किया है जीएसटी स्लैब रेट में राइजिंग करने के लिए। तो दोस्तों, क्या राइजिंग होने वाला है जीएसटी स्लैब रेट में? जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा जीएसटी 5% का जो रेट चल रहा है, उसको 7% में कन्वर्ट करने की प्रपोजल दिया गया है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जीएसटी 18% का जो जीएसटी स्लैब है, उसको जीएसटी 20% में चेंजिंग करने का प्रपोजल तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये तो थे दो प्रपोजल, जीएसटी 5% वाले स्लैब रेट को 7% और 18% वाले को 20% में। अब दोस्तों, एक बड़ी बात और भी न्यूज़ निकल के आ रही है, हालांकि अभी तक ये कोई फाइनली हुआ नहीं है, ये जो 27 नवंबर को जो काउंसिल मीटिंग होने वाली है उसमें इसका फाइनल जो डिसीजन लिया जाएगा, अभी इस स्लैब रेट को चेंज करना है या नहीं करना, एज इट इज रखना है। अगर ये चेंजिंग कर भी देते हैं तो ये कब से इफेक्टिव होगा, तो ये सब कुछ आगे की बातें हैं, 27 नवंबर के बाद की बात है। तो लेकिन अभी जो प्रपोजल सामने आ रही है, जैसे कि न्यूज़ निकल के आ रही है, वो सबसे बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है, अभी जो जीएसटी 5% का जो रेट है उसको 7% और 18% टू जीएसटी 28% में, तो ऐसा प्रपोजल तैयार किया गया है फिटमेंट कमेटी के द्वारा। तो दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात हुआ है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा जीएसटी 12% और जीएसटी 18% है, इस टैक्स को एक सिंगल टैक्स स्लैब में कन्वर्ट करना, यानी कि 12% और 18% का एक मिडल में, यानी कि 17% को इसको मर्ज करने का भी एक प्रपोजल तैयार किया गया है। और उसके साथ साथ जो अभी प्रेजेंट टाइम में गोल्ड और सिल्वर पे जो जीएसटी 3% का था, उसको भी 5% करने का प्रपोजल तैयार किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये जीएसटी का जो नया स्लैब रेट है अगर इफेक्टिव हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग में जो कि 27 नवंबर को है, तो उसके बाद हम उसको टेली सॉफ्टवेयर में इफेक्टिव किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एक परचेज इनवॉइस को हम देख लेते हैं, जो कि हमने प्रोडक्ट को परचेज किया हुआ है। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये हमने 1 सितंबर 2021 को परचेज किया है, और ये दो प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो जीएसटी टैक्स रेट चल रहा है, वो जीएसटी 18% का है। अब मान लीजिए इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग के बाद में अगर इस पर कोई चेंजिंग होता है स्लैब रेट में, तो मान लीजिए इसके ऊपर जो जीएसटी है वो 20% का रख देते हैं 18% से, तो इसको हम इफेक्टिव किस तरीके से करेंगे? मान लीजिए वो 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव कर देते हैं भी इस प्रोडक्ट पे, 1 जनवरी 2021 के बाद में 20% का टैक्स लगेगा, तो किस तरीके से हम इसका इनवॉइस है जो जनरेट करेंगे बाद में, और इसके ऊपर किस तरीके से 20% का जीएसटी इफेक्टिव हम करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार जो प्रेजेंट टाइम का जो सिंगल जो हमारा टैक्स रेट चल रहा है जीएसटी 18% का, उसका हम एक बार सेल इनवॉइस क्रिएट करके देखते हैं, ताकि आपको सही प्रॉपर सही पता चल जाए। जैसा कि कीबोर्ड हमने सेलेक्ट कर दिया, क्वांटिटी हमने 2 पीस ले ली, और 100 रुपीज़ एक बार हम ले लेते हैं इसका रेट, और उसके बाद में 18% की सेल और जीएसटी टैक्स रेट और एसजीएसटी टैक्स। तो आप देख रहे हो, ये 200 रुपये के ऊपर 3600 रुपये का टैक्स लग गया, और इस इनवॉइस को हमने सेल कर दिया, और उसके बाद में इसका डेट हम चेंज कर देते हैं 1 अक्टूबर। तो उसके बाद जो अभी हमने ये जो सेल इनवॉइस बनाया, इसका एक बार प्रिंट प्रीव हम देखते हैं, आपको प्रॉपर सही तरीके से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे हमने इसका प्रिंट प्रीव देखा, आपको ये सारी डिटेल यहाँ से पता चल जाएगी भी इसका जो टैक्स रेट है, जूम करते हैं हम,
और उसके बाद आपको पता चल जाएगा भी अभी इस प्रोडक्ट के ऊपर 9% का जो टैक्स है 18% के हिसाब से 9% CGST टैक्स और 9% आपका स्टेट का टैक्स, यानी कि 18 रुपये 3600 रुपये टोटल टैक्स की अमाउंट बन गई। अगर मान लीजिए ये 1 जनवरी से, 1 फरवरी से, 1 मार्च से या 1 अप्रैल से जब भी अगर कोई नया टैक्स इफेक्टिव होता है तो उसका रेट हमें किस तरीके से चेंज करना है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, सेम प्रोसेस रहेगा जो हम इस स्टॉक आइटम पे लेने वाले हैं। तो हमारे पास स्टॉक आइटम है कीबोर्ड विद वायर, तो इसका टैक्स रेट हमें चेंज करना होगा। अल्टर पे हम जाएंगे, स्टॉक आइटम को अल्टर करेंगे और कीबोर्ड विद वायर को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको GST डिटेल को यस करना है और उसके बाद में आपका सब कुछ डाटा सेम रहेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जो टैक्स रेट चेंज होएगा, जो टैक्स रेट इस पर इफेक्टिव होगा वो आपको यहाँ पर डालना है 18% की जगह। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 20% हमने किया तो CGST टैक्स और SGST टैक्स इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 10-10% का, इंटर प्रेस करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी। ये जो रिवाइज एप्लीकेबिलिटी जो का ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेबल फॉर्म, ये कब से एप्लीकेबल होगा? अब मान लीजिए ये 1 जनवरी से, अगर मान लेते हैं हम फॉर सपोज मान लेते हैं 1 जनवरी 2022 से ये एप्लीकेबल होता है नया टैक्स रेट, तो हम यहाँ पर डालेंगे 1/1/2022, इंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अब जैसे ही हम 1 जनवरी के बाद में इस स्टॉक आइटम का जब हम इनवॉइस जनरेट करेंगे तो इसके ऊपर 20% का टैक्स ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये जो लग जाएगा। एक बार हम लगा के देख लेते हैं, डेट हम ले लेते हैं 2 जनवरी 2022 को और स्टॉक आइटम को हम सिलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी हम ले लेते हैं 200 रुपये और उसके बाद में अब यहाँ पर अभी जो हमने एक बार लेज़र क्रिएट किया तो अब इस लेज़र को भी आपको एक बार यहाँ से क्रिएट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो GST 18% की जो हमारी सेल थी वो पहले थी, अब ये GST 20% के सेल बन चुका है। तो हम यहाँ से एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे नया, GST 20% की सेल है जो अंडर में सेल काउंट रहेगा, एप्लीकेबल यस और इसको गुड्स करेंगे। TCS को एक बार हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं और उसके बाद में CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो अभी आप देख रहे हो जो हमारे पास 18% के हिसाब से जो टैक्स रेट था वो 36-36 रुपये लग रहा था और अब इसके ऊपर 20-20 रुपये का टैक्स लग गया, इंटर प्रेस करके सेव करेंगे। अब अगर हम इस इनवॉइस का प्रिंट प्रीव हम देखेंगे, प्रीव पे हम जाएंगे, जूम हम करते हैं तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर इसका जो टैक्स रेट है सेंटर का टैक्स और स्टेट का टैक्स अब आपको यहाँ पर 10-10% ये नज़र आएगा जो कि पहले हमारा 18% का था क्योंकि 9% का था क्योंकि 18% का वो प्रोडक्ट था। तो अब ये 20% के अंदर हो गया तो अब ये 10-10% की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम 31 दिसंबर को इनवॉइस जनरेट करेंगे तो 31 दिसंबर को वो 18% के हिसाब से ही कैलकुलेट करेगा क्योंकि हमने जो एप्लीकेबल डेट दी थी वो 1 जनवरी 2022 थी। 1 जनवरी को भी अगर हम कोई इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो भी हमें 20% का टैक्स ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर कोई आपका टैक्स स्लैब चेंज हो रहा है, अगर आप GST के रेगुलर डीलर हो और आपने रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है और स्टॉक आइटम पे अगर आपको कोई GST रेट एप्लीकेबल जो नया टैक्स रेट है अगर वो लागू हो जाता है तो आपको सेम इसी प्रोसेस से आपको उसको एप्लीकेबल करना होगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक देके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।